गाड़ी बांधी है, हो चुकी है 3:50 पर, और तो टाइम था इसका 12:33 का टाइम था, 3:20 लेट है यहाँ तक। इसका भी प्लेटफॉर्म बहुत ही नीचे टूटा था, टूटा था प्लेटफॉर्म की जगह बांध। गवर्नमेंट स्टॉप करेगी यहाँ पर, फिर अगला स्टॉप रोड का रहेगी। ये देखें लोग वहाँ उतर के, बस इतनी खुशी होती मिल रही है लोगों को। ये देखें बच्चे बेचारे वहाँ भागते रहे स्टेशन से कदम से मिलने के लिए। ये प्लेटफॉर्म इतना नीचे देखे, छोटा सा एक शहर बांदी। हल्की हल्की अब धूप निकलना शुरू हुई है, यहाँ पर गाड़ी रवाना हो गई, बदर हो गई गाड़ी की और गाड़ी स्टार्ट हो गई चलना वापसी के लिए। सूरज देखिए, सूरज निकल गया, देखिए मैंने सुबह से सूरज नहीं दिखा था, ये सूरज अब पूरे दिन में आप दिखा है यहाँ पर बांधी आगे। और ये बिल्डिंग उसी तरह की जैसे पटीतन की बिल्डिंग थी, सेम उसी तरह की, लेकिन छोटी है उससे थोड़ी सी। पटीतन थोड़ा बड़ा स्टेशन था, ये उससे छोटा है। कम से कम दावत इस्लाम जो एक कूलर लगाया हुआ ठंडा पानी पीने का यहाँ पर। ये देखिए इसी तरह की बांदी की बिल्डिंग, कचरों के ढेर लगे हैं बिल्कुल जगह जगह इस तरह के। देखें गंदगी बहुत है, स्टेशन के पटरियों के साथ लाजमी होती है। जो आप रोड देख रहे हैं ये खैरपुर से आता है, जिस ट्रेन पर ट्रेन चल रही है उन शहरों से होता हुआ मिराबपुर, और ये बेरिया रोड
पतीतन, बांडी, दौड़, नवाबशाह जाके मिलता है ये रोड, सीधा नवाबशाह जाता है ये रोड, बछेरी, इस रोड से बछेरी भी आता है, सब इसी रोड पे आते हैं। जब कुल्लू से सैलाब आया था पिछले साल, रोड बंद हो गया था सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे जो था हमारा, बछेरी से लेके वहाँ तक रानीपुर तक, तो गाड़ियाँ थोड़ी इस रोड से जावट हो गई थी, ज़्यादातर लोग इस रोड को यूज़ किया करते थे। उसको सिंगल रोड है पर फिर साफ सुथरा नया रोड बना हुआ है बिल्कुल। नवाबशाह सर आप लोग यहाँ पे आना है, दौड़ पहुँच गई गाड़ी यहाँ पे, सर 2 मिनट का स्टॉप है दौड़ का। बाहर 12:55 का राइट टाइम था और गाड़ी पहुंची है तकरीबन 4:15 बजे, असर के जाने हो रही है, 3.25 घंटे गाड़ी लेटे यहाँ पर भी। साथ ही रोड चल रहा है स्टेशन के दौड़ का, इसका भी प्लेटफॉर्म कच्चा और छोटा नीचे बना हुआ है दौड़ का। साइड ये बिल्डिंग है इसकी दौड़ की, अगला स्टेशन इंशाल्लाह नवाबशाह का है। याली बिल्डिंग अभी बनाई है और ये है पुरानी पाकिस्तान बनने से पहले ही, 322 किलोमीटर के मार्ग पर बनी हुई है। सामने ये स्टेशन के साथ ही रोड शुरू हो रहा है शहर का, बाजार का जैसे कहते हैं। नवाबशाह रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है गाड़ी,
4:47 पे ये गाड़ी पहुंची है और राइट टाइम इसका था 1:42 का टाइम था। 3 घंटे लेट हो गई गाड़ी, 3:10 लेट है। परसों हम लोग उसी जगह खड़े हुए थे, इस जगह मैं वीडियो बना रहा था सामने, और अब वापसी जा रहे हैं इस तरफ। दो मिनट का स्टॉप है, देखें आगे क्या होता है, इतना और लेट होती है आगे। अभी 2 मिनट का यहाँ स्टॉप है, तो काफ़ी रश नज़र आ रहा है, फुल गाड़ी भरी हुई है इकॉनमी क्लास की। ये देखें यहाँ का भी, दो चल गई 2 मिनट के बाद गाड़ी वापसी, नवाबशाह से रवाना हो गई है। माल गाड़ी जा रही है कामों में लगे हुए, और रात में इस आए थे कल परसों, हम जब रात में आए थे यहाँ से कितना सन्नाटा हो रहा था, बिल्कुल सुनसान हुआ वो जगह। सडाड़ी रेलवे स्टेशन पे गाड़ी पहुँच गई है, 2:18 का टाइम था, और जो गाड़ी पहुँची है वो इस वक्त 5:16 पे पहुंची है, 3 घंटा लेट है गाड़ी। अगला स्टॉप शिदातपुर का है। ये सराड़ी रेलवे स्टेशन का दूसरा साइड, काफ़ी टाइम बाद इसको देखा है, सराड़ी रेलवे स्टेशन को। पिछली बार भी जब अवामी में आया था जब भी इसको देखा था, और आज फिर मौका मिला इसको देखने का। आप लोगों के लिए कितनी परेशानी होती है प्लेटफॉर्म छोटे होने की वजह से, ये देखिए दो मिनट के बाद गाड़ी फिर रवाना हो गई, बाकी का टाइम हुआ जाता है बस कोई देख रहे हैं। सूरज बिल्कुल नीचे आ चुका है, यहाँ पर धूप नहीं है, बांधी से पहले पहले धुंध थी, उसके बाद धुंध ख़त्म हो गई। काफ़ी सुनसान रेलवे स्टेशन, में ख़ास सिर्फ एक अवामी और रुकती है, उसके अलावा कोई गाड़ी का स्टॉप नहीं है यहाँ पर। ये इसकी बिल्डिंग साफ़ सुथरी, सफाई तो हुई भी है, लेकिन क्योंकि यूज़ में नहीं आती होगी शायद, इसलिए
शहजादपुर पहुंच गई है गाड़ी और टाइम हो रहा है 5:55। राइट टाइम 2:55 का था, 3 घंटे लेट है गाड़ी। ये प्लेटफॉर्म मेला और ये बिल्डिंग। शहजादपुर की बिल्डिंग है ये, 2 मिनट का स्टॉप करेगी, फिर टंडो आदम के लिए अगला रवाना होगी गाड़ी। मगरिब शुरू हो गई, अजानें हो रही हैं। ये इसका डाउन ट्रैक का प्लेटफॉर्म भी देखें, प्लेटफॉर्म ही नहीं बना हुआ ये, यहाँ पर भी ये कच्चा प्लेटफॉर्म है। ये देखें, ये कुछ इस तरह के हालात हैं। यहाँ पर भी कुछ इस तरह कच्चा प्लेटफॉर्म है, मतलब हर प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा कच्चा ही मिलेगा, सारे टूटे हुए प्लेटफॉर्म है। एक रोड ही का सही मिला, उसके बाद अभी तक कोई प्लेटफॉर्म हमें सही नहीं मिला। और पंजाब के आप देखेंगे हर एक एक छोटा छोटा स्टेशन बनाया हुआ है, ये फ़र्क किया हुआ है इन लोगों ने। मगरिब का टाइम हो रहा है और बज़र भी दे दिया गाड़ी ने। प्लेटफॉर्म के साथ ही आबादियाँ बनी हुई हैं, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं, बच्चे अच्छे आ सकते हैं वहाँ से ही। देखिए जैसे लोग जा रहे हैं यहाँ पर, सामने बाइकों पर बैठ के अपने अपने घरों पर यहाँ से। दो मिनट के बाद वापसी, चलना शुरू हो गई गाड़ी। तो ये जो वो लोग हैं जो उतर के जा रहे हैं ट्रेन से, तीन घंटा लेट गाड़ी चल रही है। साहिबाल तक गाड़ी 1 घंटा 10 मिनट लेट आई थी, इसके बाद 3 घंटे लेट हो गई है। इसकी स्पीड 50 40 50 ये चल रही है बस अभी भी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने चलाई नहीं रोड की बात से गाड़ी अभी तक। बाकी सफ़र अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया। इतने दिनों बाद ये खुली है दोबारा अवामी, तो उसके हमने मज़े लिए। इसका मेन प्लेटफॉर्म है वो भी देखिए कितना टूटा हुआ है, इसकी हालत देखिए कितनी खस्ता हो रही है, मतलब कोई तवज्जो नहीं दी जाती सिंध पे, तो कोई तवज्जो है ही नहीं। क्या आप कंडीशन देखें सिंध के स्टेशनों की हालत देखें आप। मगरिब शुरू हो रही है और जैसे ही मगरिब हो रही है तो देखें दिन भी पड़ना शुरू हो गया ऐसा ऐसा। सर्दी में भी थोड़ा इजाफा होना शुरू हो गया दोबारा। गाड़ी टंडो आदम पे अप्रोच बनाते हुए, अंधेरा हो गया है, मगरिब हो चुकी थी जैसे शहजादपुर में, अब काफ़ी अंधेरा हर तरफ फैल चुका है। अब हमारा मतलब लास्ट स्टॉप है, इसके बाद हमारा स्टॉप हो जाएगा हैदराबाद का, जहाँ हम उतर जाएंगे और हमारा सफ़र इख्तिताम होगा वहाँ पर। टंडो आदम अपनी सच्ची की वजह से बड़ा मशहूर है, यहाँ की सच्ची बड़ी मशहूर है, मतलब वो भी इंशाल्लाह किसी दिन उसको भी व्लॉग करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, उसको बना के जल्दी करेंगे इंशाल्लाह। टाइम इस वक्त हो रहा है 6:23 का
और राइट टाइम जो था इसका वो था 3:20। तो अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट और लगेंगे गाड़ी स्टेशन पे दाखिल होते हुए, तो गाड़ी 3:05 तकरीबन लेट है इस वक्त। ये देखें बस अप्रोच कर रही है, ये फाटक के बाद बस स्टेशन का जो स्टेशन की हदूद है वो स्टार्ट हो जाती है इस फाटक को क्रॉस करते ही। पूरा फोकस आउट हो रहा है, अब ट्रैक पर भी कोई ट्रेन आ रही है इस वक्त, ये तो पाकिस्तान होगी, ये खंडवाड़ा रेलवे स्टेशन। ये है प्लेटफॉर्म, ये कुछ बना हुआ है बेहतर टंडवादम का, ये अच्छा बना हुआ है, टाइल वाइल लगी हुई है इसमें, काफ़ी मुसाफिर यहाँ भी उतरे हैं। और ये थोड़ा गार्डन एरिया भी बनाया हुआ है लोगों ने यहाँ पर, अभी अंधेरा हो गया वरना रोशनी दिखाने की थी उम्मीद, लेकिन गाड़ी लेट हो गई कैसे दिखा नहीं पाया। लाइट भी नहीं है, जनरेटर चल रहा है। रहमान बाबा एक्सप्रेस है ये, जो कि कराची से पेशावर जाती है, आज काफ़ी लेट हो गई, सुबह तकरीबन 11 बजे निकलती है ये कैंट, कराची कैंट से, तो काफ़ी लेट हो गई है गाड़ी। ये रहमान बाबा को HMU-30 लीड कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंजन है, ये बहुत ही ज़बरदस्त इंजन। इसने भी बजर दे दिया, ये भी रवाना होने की तैयार है, 2 मिनट का इसका भी स्टॉप पूरा हुआ है। सारी कोचेज के शीशे बंद है सर्दी की वजह से, रश इतना ज़्यादा है, देखें गाड़ी पूरी फुल आ रही है पीछे से, गेटों पे लोग खड़े हैं अंदर की तरफ क्योंकि गेट बंद है लाइट सर्दी की वजह से। ये रहमान बाबा भी रवाना हो चुकी थे, टिकट चेक करने आ गए थे, उनको उनकी टिकट चेक करवाइए, तो वीडियो थोड़ी सी बीच में रुक गई, कल इस जगह रुके थे हम लोग और आज वापसी चलें। आप अगला स्टॉप हैदराबाद का, फिर हैदराबाद जाकर आपसे मिलते हैं, और वही हमारा आखिरी स्टॉप है। बिरयानी आ गई है रात के लिए, लोगों को सर्व की जा रही है पैसों में, फ्री में नहीं, पैसों में सर्व हो रही है, गाड़ी पूरी खाली हो गई है तकरीबन। कैटरिंग का इंतज़ाम है, सफ़र एंड की तरफ है हमारा, हैदराबाद अंदर ही आने वाला है, तो मैं अपनी कोच दिखा रहा था आपको, ये कोच है हमारी, और वॉशरूम की कंडीशन भी दिखा देता हूँ मैं आपको जाते जाते। ये वॉशरूम है साफ है, पर पानी एंड में आगे ख़त्म हो गया, पानी नहीं है। बस अब सफ़र एंड है हमारा, हैदराबाद बहुत जल्दी आने वाला है, 10 से 15 मिनट में बस मुश्किल से, तो अपना सफ़र हैदराबाद पहुँचते ही अंधेरा शुरू, मुझे लग रहा है इलाके की सही लाइट गई हुई है शायद, इसलिए पूरा अंधेरा हो रहा है हैदराबाद। और हम लोग जो हैदराबाद पहुँचे हैं वो है इस वक्त टाइम 7:20 का, राइट टाइम जो था इसका वो पहुँचने का था 4:10 का, तो गाड़ी हमारी तो लेट हुई है, तो 3:10 लेट हो गई है। सामने से एक गाड़ी और आ रही है जो U-40 को लीड कर रहा है, कलाकरम एक्सप्रेस जा रही थी ये
जियो 14 ने इसको लीड किया हुआ था। स्टेशन से थोड़ा पहले फिर रुक गई गाड़ी, वैसे इतनी लेट है और रोक दी है, वजह कोई समझ नहीं आई, कोई वजह भी नहीं है, लोग तो यहाँ ही उतरना शुरू हो गए। तकरीबन कोई 20 मिनट यहाँ खड़ी हो गई आगे और अब चली है बिल्कुल चैनल के साथ ही। क्यों खड़ी हो गई, सिग्नल नहीं था, बन क्या प्रॉब्लम थी, तो 20 मिनट रुकने के बाद अब ये दोबारा रवाना हुई है। एंड में आ गया, हमेशा ये करती गाड़ियाँ 20 मिनट और ज़्यादा कर दिया इसने। गाड़ी बस ये कर्व लेते हुए स्टेशन में दाखिल हो रही है और बहुत ही स्लो स्पीड में दाखिल हो रही है। अगर आपको ये दिख रहा हो घर, बहुत अंधेरा है, सामने पार्क बिजनेस एक्सप्रेस की लाइटें भी दिख रही हैं जो हैदराबाद स्टेशन में खड़ी हुई है इस वक्त। पार्क बिजनेस बस क्रॉस करने वाली थोड़ी देर में इसको आ रही है, बल्कि चलना शुरू, हम उसको भी क्रॉस करते हुए देखते हैं पार्क बिजनेस को। मेहरान एक्सप्रेस जा रही है मीरपुर खास के लिए, इधर का वो पार्क बिजनेस इसके पीछे है। मेहरान एक्सप्रेस जो कि कराची कैंट से सिटी से चलती है, खैर मीरपुर खास तक के लिए चलती है और ये मीरपुर खास जा रही है। हम यहाँ पर करते हैं अपना इंतजाम को, तो अगर मेरी मसला है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, तो लाजमी करिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे किसी और ब्लॉग के साथ, कहीं भी किसी और सफ़र में, पता नहीं कहाँ पर मुलाकात होती है, फिर जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, लेकिन मेरी वीडियो लाइक जरूर कर दिएगा और कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़, उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बड़ी मेहनत करता हूँ मैं, आपको पता है, तो आप काबू का तलबगार चलने। फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह किसी और सफ़र में, हैदराबाद आता है तो आपको डिपार्चर दिखाएंगे हैदराबाद का, फिर आप के लिए ज़्यादा चलते हैं आपसे। गाड़ी हैदराबाद आके रुक गई और 3.5 घंटे लेट हो गई तकरीबन, एंड में आ गए, काफ़ी रुलाया है इसने। चलें फिर आपसे मिलते हैं नई जगह पे, ज़्यादा चाहते हैं आपसे, वीडियो कमेंट वीडियो पे लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर दिएगा और मेरे तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। लास्ट में फिर मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़। ये पार्क बिजनेस यहाँ खड़ी है अभी तक, हैदराबाद स्टेशन भी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ जाते जाते, और अब हम यहाँ से करते हैं एग्ज़िट और अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।